सरदार अख्तर मेंगल कौमी असेंबली की रुकनियत से मुस्ताफी। बीएनपी सरबरा का सदर और वजीर आजम पर अदम एतमाद। सरदार अख्तर मेंगल कौमी असेंबली की रुकनियत से मुस्ताफी। आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे का ऐलान करता हूँ। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। अख्तर मेंगल ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, ये असम्बली हमारी आवाज़ नहीं सुनती तो इसमें बैठने का कोई फायदा नहीं। एपिक्स कमेटी की मीटिंग क्वेटे में बुलाएगी, हमें दावत दी गई थी। अब हैरानगी इस बात की है कि 75 सालों में जो बात हम उनको समझा ना सके, मैंने उन बातों की निशानदेही जो आज बलूचिस्तान के हालात हैं कई साल पहले उनकी निशानदेही की थी। मैं कह रहा था बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल रहा है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। अख्तर मेंगल ने न्यूज कॉन्फ्रेंस के बाद इस्तीफा सेक्रेटरी कौमी असम्बली को जमा कराया। अख्तर मेंगल NA 256 खुजदार से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली से इस्तीफा वफाक के लिए बुरा शगुन है। ख्वाजा साद रफी का एक्स पर पैगाम लिखा, अख्तर मेंगल का इस्तीफा मौखर करके इनसे बात की जाए। साद रफी की जानिब से ये कहा गया कि सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली से इस्तीफा वफाक के लिए बुरा शगुन है। ख्वाजा साद रफी का एक्स पर पैगाम।